मित्रों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं अपने स्टेशन से निकल रहा हूँ, यानी मेरे जो घर का स्टेशन है। मुझे बीच में रुकना इसलिए पड़ा, मेरे भाई कई बार फोन आ रहे थे अलग वगैरह का, तो मैं डायरेक्ट उचित नहीं समझा जाना, क्योंकि डायरेक्ट जाने का मतलब है कि हो सकता है मुझे रोका जाए। तो फिलहाल मैं औरों की तरह नौटंकी तो नहीं कर सकता, तो उसको बचने के लिए मैं अपने स्टेशन से निकल रहा हूँ। गाड़ी जा रही है और जो मैंने सोचा नहीं था वो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा ये हो गया कि हमारे जो क्षेत्र का थाना है, रसूलाबाद क्षेत्र, मंगलपुर, ये जो थाने लगते हैं, हम उम्मीद नहीं किए थे कि यहाँ के लोग भी आएंगे। मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ तक वीडियो मेरे पहुँचते कि नहीं पहुँचते, लेकिन अच्छा ये लगा मेरे भाई कि जैसे मैं स्टेशन आया वैसे देख रहा हूँ कि कम से कम 30-40 चौकीदार हमारे यहाँ बैठे और उन्होंने पहचान लिया यार, बड़ा अच्छा लगा भाई। तो बड़ी हिम्मत मिली, बड़ी उम्मीद से मुझे लगा कि चलो कम से कम हमारी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं। और अभी मैं एक ऐसे चौकीदार बंधु से मिलाऊंगा जिसके पास में खुद इतना हिम्मत और दम है कि जाने कितने लोगों की नियुक्ति करा रहा है, तो उनसे भी मिलाऊंगा, उससे भी आपको शक्ति मिलेगी। अभी ट्रेन में जब सब बैठेंगे तो आपको पूरा सभी से मिलाऊंगा मेरे भाई। ठीक है भाई, चलते हैं, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। हम बस प्रण लेकर के चलना है कि हमें जीत के ही लौटना है, हम हारने के लिए नहीं जा रहे, हम जीतने जा रहे हैं। मन को छोटा दोस्तों, हमारे साथ ये हमारे अपने भाई सब आ चुके हैं और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे क्षेत्र से भी लोग इतने सारे जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको सभी से मिलवा रहा हूँ अपना जोश जज्बा के साथ। हमारे साथ लोग चल रहे हैं कानपुर देहात से, रसूलाबाद थाना, मंगलपुर थाना, और मैं आज एक तो ऐसे लोगों को मिलाऊंगा जिनसे मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए कि हिम्मत अपने अंदर कैसे पैदा करनी है। तो आइए पहले बात करा देते हैं। ये हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, एक तरीके से हमारे बिल्कुल घर के हैं, गाँव के हैं, ये हमारे भाई हैं, समझ लीजिए बहुत बड़े भाई। ठीक, दूसरी चीज पीछे हमारी ये देखिए जो वर्मा जी ये भी हैं खड़े हैं, इनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इनके अंदर जो हिम्मत है उस हिम्मत को सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा वीडियो डालना चाहिए, इससे क्या है आप लोगों के अंदर एक एनर्जी जगेगी। बाकी ये हमारे भाई देखिए पैर से परेशान है लेकिन फिर भी एक हिम्मत बांध करके चल रहे हैं साथ में। रमेश जी रामपुर, कहाँ से हो? रामपुर थाना, थाना रसूलाबाद से हैं ये हमारे रमेश जी। और आप दादा? अख्तर अली जी हैं दादा, ये भी रसूलाबाद थाने से हैं। आप? अनूप रसूलाबाद से हैं, हमारे नाम के नामा राशि हैं भाई। वैसे अनूप नाम के लोग बहुत मेहनती होते हैं। देख उसके बाद में ये भाई है, कहाँ से हो? रसूलाबाद थाना। आपका? रसूलाबाद थाना पाड़ीपुर। आपका? मंगलपुर थाना। आपका? मंगलपुर। आपका? मंगलपुर। मंगलपुर से कितने लोग हो? तो भाई ये जो भीड़ जा रही है ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग विरोधी ये कह रहे हैं कि 14 लोग, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ही खड़े हैं 15-16-20 लोग कम से कम अगर देखा जाए। बाकी लोग जो पहुँच रहे हैं वो संख्या देख लीजिएगा। तो आप बताइए पहले वर्मा जी कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर के आप चल रहे हैं? अरे पूरी उम्मीद लेकर चल रहे हैं, सरकार सुनेगी, बात सुनेगी और सफलता मिलेगी। हमको पूरा भरोसा है कि आप अगर आगे हैं हम लोगों के साथ में तो मंजिल कोई देर नहीं, मंजिल मिलेगी आपको। तो आपने बताया कि आपको तो अचानक कल पता चला आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आपको सूचना नहीं मिल पा रही थी, तो आप तो चित्रकूट जाने वाले थे। हाँ सही बात है। कैंसिल कर दिया ये भैया, देख लो कैंसिल कर दिया। कल पड़ रही ना, चित्रकूट जा रहे आज निकल के। अच्छा, जानकारी मिली तब यहाँ निकलिए। ये हमारे वर्मा जी, वर्मा जी थोड़ा आगे आ जाओ। ये हमारे वर्मा जी हैं, ये समझ लो ये तरीके बिल्कुल घर की तरह दोनों लोग हैं, और अगर इन्होंने आदेश कर दिया तो ये मान लेते हैं, ये बोल देते तो ये मान लेते, बहुत मतलब इनका प्रेम संबंध है। तो अगर एक तरीके देखे ज्ञान इन्होंने हमारे भाई को दिया, लेकिन इनका जोश जो जज्बा है उसको अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप अभी हमें बता रहे थे कि हमने अपने थाने पे कई चौकीदारों की नियुक्ति कराई है, कैसे कराई है? और मैं नियुक्ति के अपने डीएम साहब के यहाँ से डायरेक्ट अपने थाने से पूरी रिपोर्ट लिखा करके और अपने डीएम साहब के यहाँ जा करके डायरेक्ट हम चौकीदार को मिलाते हैं, और ना कोई घूस ना इसमें कोई पैसा लिया जाता है। तीन लोगों की नियुक्ति कराई, अभी तीन लोग हमारे थाने में नियुक्ति आई है, जो एक हमारे साथ में है जिंदा निवादक लड़का, एक हमारे उसरी का है, एक हमारे मंदारपुर का पड़ता है। सारी नियुक्तियां हम ही ने अभी करवाई हैं। जिस व्यक्ति का अगर नियुक्ति में कहीं भी मृतक आर्थिक में फंस रहा हो तो हमसे हमारे अन्नू भैया से संपर्क करें, हमको बताएंगे, हम अवश्य उसकी पूरी सहायता करेंगे। कैसे कर ले? तो ये तो हिम्मत है बहुत लोगों के अंदर है ही नहीं है। हम ऐसे करते हैं कि हम अपने पूरी हमारे एसओ साहब, हमारे सीओ साहब, एस डी एम और एसपी साहब सारी की कप्तान की रिपोर्ट लग करके इसके बाद डीएम साहब के यहाँ जाती है, फिर डायरेक्ट हम डीएम साहब के यहाँ पेश होकर के अपनी नियुक्ति की
प्रक्रिया करते हैं। भाइयों वर्मा जी की हिम्मत के लिए एक प्यार भरा कमेंट जरूर करना, यही हिम्मत और यही जोश यही जज्बा आपके अंदर देखना चाहता हूं। और सभी भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि अभी हम अपने झिंझक रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, जितने भी हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी है मौजूद है, तो दिल्ली जंतर मंतर में कल सुबह 6 बजे पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि हम भारी से भारी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। और हम अपने अन्नू भैया को हार्दिक बधाई देता हूं कि ऐसे ही अगर चौकीदारों का मुद्दा उठता रहेगा तो हम लोग एक दिन ना एक सफल जरूर होंगे। एक दिन नहीं, सब लोग प्रण लेके चलो कि 14 तारीख को जीत कर लाऊंगा। प्रण लेके तो यही चले रहे हैं कि 14 तारीख को हमको दिल्ली के धरती पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ पूरा अपना भौकाल दिखाते हुए हमारे अपनी कामनाएं लड़ाई वेतन के लिए जी जान से लगे हुए हैं। और हम कहते हैं मोदी योगी से कि हमारा वेतन भी बढ़ाया जाए, क्योंकि हम भुखमरी के कगार पे चल रहे 2500 में कहीं गुजारा नहीं है। ऐसे अगर हमारे चौकीदार भाई हमारे साथ देते रहेंगे तो बराबर हम आशा करते हैं कि हमें वेतन में वृद्धि जरूर की जाएगी। सच में बताऊं भाइयों, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे चौकीदार भाई यहाँ से आएंगे कि रुकेंगे कि जाएंगे। मैं तो आया अचानक, मैं देख रहा हूँ इतने भाई आगे, बड़ा अच्छा लगा। इनको भी नहीं लगा होगा कि अन्नू भैया हमारे यहाँ के, कई लोगों का पता ही ना हो कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो अचानक आके मिल गए यार, बड़ा अच्छा लगा। अब साथ में जाएंगे तो सफर बड़ा बढ़िया कटेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जब ऐसे परेशान विभाग के साथ काम करने में मजा इसलिए आता है कि उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उनके साथ चलना, तब एहसास होता है कि स्थितियां क्या होती हैं। मित्रों ये जो कार्य है जमीन पर उतर के किया जा रहा है, ये दलाली करने के लिए काम नहीं किया जा रहा और ना ही ठगी करने के लिए काम किया जा रहा है, ये जमीन पर उतर के काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें ईश्वर भी साथ दे रहा है और इसे तमाम लोगों की जो आवाज है ना, ये जंतर मंतर की धरती पर गूंज कर माननीय मोदी जी तक पहुंचाने का कार्य कल की डेट में होगा, किसी भी हालत में हो। नहीं होगा तो वहां पर आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।